गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव दोस्तों। आज है ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड का हमारा डे 173। और एक दो दिन तीन दिन से पिछले तीन दिनों से हम मिडनाइट सोनू ब्लॉगर के साथ में रुके हुए थे। यहाँ पे अभी देख सकते हैं क्या खूबसूरत सा नज़ारा है। और वहाँ पे हमारे महादेव श्री केदारनाथ का मंदिर। और अब हम यहाँ से चल रहे हैं क्योंकि हमें हमारा मंजिल अभी बहुत दूर है, डेली सफ़र करना है साइकिल से। इसलिए सोनू भाई यहाँ पे थे। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। गाइस सपोर्ट करो भाई को, यार अपना ही भाई है, साथ में रहे थे, बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम भैया? विजेंद्र पाठक। हर हर महादेव, सभी को हर महादेव। चलो भाई, महादेव। चलो हम लोग अपना सपोर्ट को कंटिन्यू रखते हैं, सब सपोर्ट करिए। बहुत ही बड़ा एक लक्ष्य लेके निकले हैं, अभी अभी मुझे पता चला। सभी सपोर्ट करिए जितना कर सकते हैं। हर हर महादेव। तो दुनिया गोल है, फिर भगवान की मर्जी होगी, जरूर मिलेंगे। हर हर महादेव, चलिए चलते हैं। तो हम आए हैं अभी गुरु आदि गुरु शंकराचार्य का दर्शन करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि शंकर भगवान ने 8वीं सदी में केरल के एक गांव में वहां पे जन्म लिया था, गुरु आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। तो चलिए उनका दर्शन कराते हैं। यहां पे कुछ भैया लोग भी है, आपने दर्शन कर लिया? हां जी, हां जी भैया। ओ बहुत अच्छा। चलिए तो यहां पे आदि गुरु शंकराचार्य का आपका दर्शन करवाते हैं। वहां देख सकते हैं समाधि में बैठे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। वाह, यही है आदि गुरु शंकराचार्य। अगर आप केदारनाथ आते हैं, भगवान श्री केदारनाथ का दर्शन करते हैं, तो आदि गुरु शंकराचार्य का भी दर्शन जरूर करें। तो ये भैया लोग हिमाचल से, और हिमाचल में मैं बहुत घूमा यार, बहुत मजा आया। ब्लॉगर और निकलते हैं आगे। ये मंदिर बिल्कुल शंकर भगवान के मंदिर के पीछे में है। आप आएंगे तो गड्ढे जैसा मिलेगा, उसमें आपको आदि गुरु शंकराचार्य का दर्शन हो जाएगा। तो उतर रहे हैं केदारनाथ के ट्रैक से, और इस बार शॉर्टकट लिए हैं। और मैं भी हूँ। देखिए ये लड़का कूद कूद के जा रहा है, मुझको पूरा थका दिया है, सब आदमी को पीछे छोड़ते हुए। और आराम से भाई, आराम से, आराम से। और झरना उरना सब क्रॉस कर देगा ये तो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम लोग बेहोश कर देने वाले लड़के हैं। कुछ देर पहले चल रहा था, बहुत धूप होगा तेज, आप देखेंगे। अभी जस्ट एक घंटे में देखिए कि मौसम बदल गया है यहाँ पे, तो इस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि रेनकोट वगैरह लेकर के आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, और ये नदी है, आधा रास्ता हमने तय कर लिया है और आधा हम लोग को भी और चलना है। ये जो चीज़ देख रहे हैं, जिस पे तीन लोग मिल करके ले जा रहे हैं, इसे बोलते हैं पालकी। शाम हो चुका है, हम केदारनाथ के ट्रैक से नीचे उतर चुके हैं। अब देख सकते हैं मौसम बदल गया और कितना तेज बारिश आ गया है। उधर देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो बारिश बहुत तेज आया है सड़क पे, देखिए। और इधर देखिए, क्योंकि चेहरा पे दिखता नहीं है। तो सोनप्रयाग हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। अचानक यहाँ मौसम बदल जाता है, यही आपको बताना चाहते हैं। आज देखते हैं आज का खाना और रहना कहाँ हो पाता है। ये देखिए पूरा बारिश तेज, इधर जंगल है और इधर पहाड़ है। ओह, चलिए बारिश से बचते हैं, बारिश में भींग भींग के चलते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। समय हुआ है 7:30, और अभी हम केदारनाथ के ट्रैकिंग से उतर के गौरीकुंड को पार करके, गौरीकुंड से 5 किलोमीटर बाद है सोनप्रयाग। तो देख सकते हैं सोनप्रयाग का जो घाट है, वहाँ पे मैंने लगा लिया है कैंप। और ये भी भाई है यहाँ पे, थोड़ा सा अभी धुंधला आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं। तो इधर से सीन आपको पूरा दिखा देते हैं। ये देखिए कुछ ही इस प्रकार का सीन है अभी। ओ वाह, देखिए इस प्रकार का एरिया में मैंने कैंप लगाया है। ऊपर है पार्किंग पूरा गाड़ी का, और उधर से था रास्ता, एक छुपा हुआ रास्ता है सीढ़ी से आ करके। यहाँ पे नदी बह रही है, नदी के किनारे कैंप लगा लिए हैं अपना, बारिश वगैरह से बचने के लिए। तो और यहीं पे चल रहा है भंडारा। तो आपको भी अगर साइकिलिंग से कैंप करना चाहते हो तो ये जगह बेस्ट है, उधर गाड़ी वाड़ी भर जाता है पूरा। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैंने कैंप लगा लिया है, और मिलते हैं खाना वाना खाने के बाद आज के ब्लॉग को। ओ,
द एंड कर देते हैं यहीं पे, क्योंकि यहीं पे रात में सोएंगे फिर सवेरे चलेंगे, और खाना बगल में खा लेते हैं, भंडारा है तो सोनप्रयाग में है। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बाय।